Good nutrition and healthcare is the bedrock of child survival and development. But when superstition keeps people away from medical care, it adds to the woes. In Melghat region, where people still believe in Hakims and Bhumkals, that's traditional healers, today we can see this shift happening because of timely intervention, dedicated doctors, and awareness on good nutrition. My same community से belong करता हूँ, Korku community, और 2005 से यहाँ पर मैं service दे रहा हूँ. मेरे आने के पहले यहाँ पर कोई doctors आने को तैयार नहीं थे. पीडियाट्रिशियन तो दूर की बात थी, गायनेकोलॉजिस्ट की सेवा नहीं थी, कुछ नहीं. लेकिन फिलहाल जब से यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ, लोग दवाखाना आने के लिए तैयार नहीं थे. मेलघाट में 80% जो लोग थे जो अब दवाखाने के सर्विसेज लेना पसंद नहीं करते थे. जहाँ तक यहाँ पे मेलघाट में भूमका पड़ियार जो लोकल ट्रीटमेंट रहता है उसी पर ज़्यादा विश्वास रखते थे. लेकिन अभी इतना बदल चुका है मेलघाट कि 80% लोग दवाखाने की फैसिलिटी इजीली लेते हैं, और 10 से 20% जो लोग हैं कि जो अभी भी वही राह पर है, जो भूमका पड़ियार इनके पीछे लगे हुए हैं. वैसे ही एक बच्चू है जो राम्या माखनलाल ध्रुवे, 11 महीने की है, धारनमल गांव से आता है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर है. और वो आए थे उस समय 4 किलो 400 ग्राम ही थे, बाद में फिर तीसरे दिन से उनका वजन बढ़ना चालू हुआ. पहले वजन कम था कि इसका यहाँ पे आके बढ़ गया 1 किलो ज़्यादा. यहाँ का जानकारी हमारे गांव के नीना ने, वजन बढ़ जाएगा तेरे बेटी का, अच्छा खाने मिलता, सब कुछ इसके ले आए. धार की जाता तो घर पे कोई नहीं रहता, इसलिए घुमा जोरी करता कि ना ये घर पे था, बच्चों ने देखता. हाँ पतला हो रहा था, खाने के नहीं मिलता, कहीं बच्चों ने खा लाता. बड़ा इंसान रहता तो ख्याल रखता था. अब टेम बेटेम हो जाता दिन दूध पिलाने में. अभी 12वें दिन है उसका, 15% वेट गेन हो चुका है, और कुछ बीमारी नहीं है अभी, बहुत अच्छी है. मदर भी बहुत सक्षम होकर जा रही है अभी.